1300 साल बाद दीपावली के दूसरे दिन ग्रहण योग बना, जो मध्य प्रदेश के कटनी जिले में भी सूर्य ग्रहण का आंशिक असर रहा है और सूर्य ग्रहण देखा गया। वहीं वर्ष 1996 से श्री राम सेवा समिति दीपदान कार्यक्रम का आयोजन करवा रही है। ये पहला वर्ष है जो दीपदान में बहुत कम संख्या में लोगों का आना हुआ। इसका असर सूर्य ग्रहण से देखा जा सकता है। श्री राम सेवा समिति के पद अधिकारी सूर्य ग्रहण के कारण दीपदान का कार्यक्रम को संध्या 7 बजे से आयोजन किया गया। इस दौरान विगत वर्ष से भी कम लोग इसमें शामिल हुए। जो लोग पहुंचे थे वो पूजा पाठ स्नान कर दीपदान किए और बताया कि ग्रहण के कारण लोगों का इस कार्यक्रम में आना नहीं हो सका, अन्यथा 10,000 की भीड़ दीपदान के कार्यक्रम में देखी गई। वहीं आपको बता दें कि बकायदा मेला का एक रूप नजर आने वाला कटाई घाट में फी का माहौल दिखाई दिया। यहां पर दीपदान हर परिवार को होता है और उसी श्रृंखला में आज भी परिवार को जो है श्री राम सेवा समिति के तत्वाधान में यहां पर दीपदान का आयोजन रखा गया था। लेकिन चूंकि आज ग्रहण था और ग्रहण की वजह से लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, इसलिए आज यहाँ पर भीड़ कम है। बाकी प्रशासन ने अपनी समुचित व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। मैं यहाँ कटाई घाट आई हुई हूँ दीपदान महोत्सव में। दीपदान करने के लिए आई हुई थी, पर ग्रहण के कारण यहाँ पे दीपदान करने के लिए जनता कोई भी पब्लिक आई नहीं है और हम लोग दीपदान महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए।